प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपने आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। अपन लोग कुछ हफ्ते से प्रभु यीशु की एक खास शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे, जिसे पर्वतीय उपदेश कहा जाता है। काफी दिन से उपदेशों का अध्ययन करते करते आज मुझे लगा कि प्रभु यीशु के जीवन की एक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस तरह से खाने में अलग अलग प्रकार का भोजन स्वाद को बढ़ाता है, उसी तरह से जब हम प्रभु के वचन से सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं, तब यदि कुछ शिक्षाएं हो जाएं, कुछ घटनाएं हो जाएं, तो अध्ययन में और अधिक आनंद आता है। इस कारण वो जो पर्वतीय उपदेश का अध्ययन हम कर रहे थे मत्ती, उसी पुस्तक के 8वें अध्याय को खोल लीजिए। 8वें अध्याय को बाइबल का जो उत्तरार्ध है, जिनके पास नहीं है वे लोग फिक्र ना करें, क्योंकि एनीवे मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। मत्ती नामक पुस्तक 8वें अध्याय के 5वें पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती 8:5 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने प्रभु के पास आकर उनसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। यहाँ 2-3 बातें हम जान लें। आजकल तो अपन सूबेदार लोगों को देखते नहीं हैं, क्योंकि आजकल पुलिस में जो लोग हैं थानेदार होते हैं, दारोगा होते हैं, इस तरह के नामों से हम संबोधित करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जब संसार में थे, तब एक पूरे इलाके के ऊपर जो भी पुलिस अधिकारी होता था उसको सूबेदार बोलते थे। यह कोई छोटी हस्ती नहीं होती थी। याद रखें, प्रभु जिस समय संसार में थे, आज से 2000 साल पहले, उस समय मध्य पूर्व में रोमी लोगों का शासन था। रोम नाम का जो शहर है, रोमी लोगों का शासन था। ये लोग बहुत ही मिलिट्री के मामले में बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत क्रूर थे और कड़ाई और सख्ती से न्याय और शासन करते थे। ऐसे शासन का एक सूबेदार बहुत बड़ी हस्ती होता है। वो इतनी बड़ी हस्ती एक अनुरोध लेकर प्रभु यीशु के पास आया है। देखिए, उस जमाने में यदि सूबेदार को किसी से बात करनी होती थी तो सूबेदार लोगों के पास नहीं जाता था। लोगों के पास आज्ञा पहुंचा दी जाती थी कि सूबेदार साहब आपको याद कर रहे हैं, और जैसे ही पता चला कि सूबेदार साहब याद कर रहे हैं तो आदमी डरते कांपते अधमरा होकर वहाँ पहुँचता था। लेकिन आज एक विचित्र घटना हम देखते हैं कि प्रभु जब कफरनहूम नाम के एक शहर में आए तो सूबेदार प्रभु के पास गया। इस घटना से हम कई बातें सीखते हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को कभी पहचाना नहीं है। इस संसार के सृजनहार जब मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर पधारे तो लाखों लोगों ने उनके दर्शन किए थे। देखिए, कम से कम जहां संख्याएं बताई गई हैं, जैसे 5 रोटी वाली जो घटना है, तो वहां ही 5000 लोग थे, वो भी पुरुष, जिसका मतलब है सब मिला के कम से कम 10-15 हजार लोग थे।
इस तरह से 10-15 हजार लोगों की भीड़ यदि 10 बार प्रभु के दर्शन कर लिए तो हो गए 1 लाख से ऊपर। तो जब मैं कह रहा हूँ कि प्रभु का दर्शन लाखों लोगों ने किया तो ये एक बहुत छोटी सी संख्या है। सही सही तो मुझे कहना चाहिए कि प्रभु के 3.5 साल का जो सेवा का काल था, इस सेवा काल में 10 लाखों लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। लेकिन इन 10 लाख लोगों ने, 10 लाखों लोगों ने जो प्रभु का दर्शन किया, इसमें इस सूबेदार ने तो शायद कभी प्रभु का दर्शन ना किया हो, या अपने ड्यूटी के दौरान उसने हो सकता है प्रभु को जाते हुए या शिक्षा देते देखा हो। हाँ, वो सूबेदार होने के कारण एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसका जो पूरा का पूरा इलाका है वहाँ किसी भी व्यक्ति को वो बुलवा मंगवा सकता है। बस एक सैनिक को भेज दो, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। लेकिन ये जानते हुए भी वो सूबेदार जो कभी भी किसी के पास कुछ भी मांगने के लिए नहीं जाता, वो स्वयं प्रभु यीशु के पास आया। क्यों? इसका एक कारण है। जब आगे हम इस घटना को पढ़ते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो पुलिस का अधिकारी था, जो एक पूरे सूबे का इंचार्ज था, वो इस बात को जानता था कि अधिकार क्या होता है। रोमी साम्राज्य में जो सैनिक लोग है या जो मिलिट्री है उसमें कई लेवल्स होते थे अधिकारियों के। हर लेवल पर जो व्यक्ति है उसके नीचे के लोग उसकी आज्ञा मानते थे, वो अपने ऊपर के जो लोग हैं उनकी आज्ञा मानता था। जिस अधिकारी ने एक सैनिक की हैसियत से काम शुरू किया और जो बढ़ते 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 अब एक पूरे के पूरे सूबे का इंचार्ज हो गया है, वो इस बात को जानता था कि अधिकार क्या चीज है। वो इस बात को जानता था कि हर व्यक्ति को जो अपने ऊपर है, जिस जो अपने ऊपर अधिकारी है, उस व्यक्ति की बाकायदा इज्जत करनी है, और इज्जत भी उस व्यक्ति का जो ओहदा है उसके अनुसार इज्जत करनी है। इस कारण जब इस सूबेदार ने प्रभु यीशु के बारे में कुछ पहचाना तो उस पहचान के कारण वो एकदम से समझ गया कि मुझे उस व्यक्ति की इज्जत करनी है, भले ही वो मेरे सूबे में हो, मैं उसको आदेश देके अपने पास बुलाऊं ये उचित नहीं है, ये अनुचित होगा। सही तरीका यह है कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं। और इसलिए वो सूबेदार जो कभी किसी के पास नहीं जाता वो प्रभु यीशु के पास पहुंचा। क्यों? इसलिए कि सूबेदार इस बात को पहचान गया कि प्रभु यीशु इस संसार के सृजनहार हैं, और यदि वो सृजनहार है या चूंकि वो सृजनहार है इसलिए उनकी सृष्टि मैं अपने सृष्टा को आदेश देकर अपने पास बुलाऊं, उसके बदले ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस सृष्टा को जाकर प्रणाम करूं और उनसे अनुरोध करूं। यहां एक विशेष बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, सामने की तरफ वहां एक यंत्र रखा हुआ है जिस पर वो भाई एडजस्टमेंट्स कर रहे थे जिससे कि आवाज अच्छी तरह से सुन सके, ठीक है। और जब से वो आया है तब से आवाज और ज्यादा साफ हो गई है। लेकिन यदि उसको खोल के आपके सामने रख दिया जाए कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इसकी मरम्मत करो, आप में से कोई है क्या जो कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत ही अंदर जटिल यंत्र है। लेकिन यदि मेरे सामने खोल कर रख दिया जाए और उसके सारे के सारे पार्ट्स अलग कर दिए जाएं और मुझे उसका नक्शा दे दिया जाए तो मैं वापस उसको जोड़ सकता हूँ।
इसका एक कारण है, मैंने उस विषय में ट्रेनिंग ली है। एमएससी लेवल पर कई विषयों में मैंने स्पेशलाइज किया था, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स था, और इलेक्ट्रॉनिक्स का पागलपन की हद तक शौक था। इसलिए जब यदि उसको खोल कर दिखाया जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यह क्या काम करता है, यह क्या करता है, यह क्या काम करता है, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और भी कोई जटिल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र खोल के मेरे सामने रख दिया जाए तो वो भी मैं समझ सकूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे ट्रेनिंग है। यह सूबेदार इसी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति था, जो अपने नीचे जो उसके अंडर हैं उनको नियंत्रित करना, अपने ऊपर जो हैं उनको आदर देना जानता था। कई बार हम में से कई भाई या बहन लोग प्रभु को जिस रीति से पहचानना चाहिए, और पहचानने के बाद, पहचानने के कारण जो आदत और इज्जत देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमने प्रभु के साथ समय बिताकर प्रभु कौन है, प्रभु क्या करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में क्या है, इसको पहचाना नहीं है। लेकिन जिस तरह से अध्ययन के दौरान मैंने इन यंत्रों को पहचाना, उसी तरह से मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के हर दिन हमको प्रभु जिन अनुभवों से होकर गुजारते हैं, और जब अनुभवों से होकर गुजारते हैं तब उन अनुभवों में ही जब हम प्रभु के हाथ को देखते हैं कि अरे ये तो आदमी से, ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता था, ये कार्य तो प्रभु ने ही किया है, जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तब प्रभु को पहचानते हैं। आज संध्या को जो कई बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसमें से पहली बात यह है, एक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहता हूं, ये आदमी, ये जो अफसर है, प्रभु का शिष्य नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने ये पहचाना कि प्रभु कौन है, सृजनहार है। क्यों? अपने अनुभव के द्वारा। मैं और आप इसी तरह से प्रभु में आने के बाद हमने अपने अनुभवों के द्वारा प्रभु को समझा है क्या? यदि आज संध्या मैं आपसे पूछूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रभु यीशु को पहचानते हो क्या, तो हम ये जवाब दे सकेंगे क्या कि शास्त्री सर, प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे मित्रों के जीवन में और भाई बंधु मित्रादियों के आदियों के जीवन में और मेरे परिवार में जो कार्य किया है उसको ध्यान से देखने के कारण मैं पहचान गया हूं कि प्रभु कौन है? कह सकेंगे या नहीं कह सकेंगे? यदि नहीं कह सकेंगे तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि एक दारोगा अपने ऊपर के अधिकारियों को शायद साल में एक बार देखता है, इसके बावजूद वो उनकी इज्जत करता है। हम प्रभु को हर दिन देखते हैं, हर दिन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इसके बावजूद यदि हमने को प्रभु को यदि नहीं पहचाना तो ये तो जीवन में बहुत अफसोस की बात है। ये हुई पहली बात, ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभु यीशु ने उस सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मतलब मैं आकर तुम्हारे दास को चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आएं। उस सूबेदार ने ना केवल संसार के सृष्टिकर्ता को मनुष्य रूप में पहचान लिया, उसके साथ साथ एक बात और उसने पहचाना था, हम नश्वर मनुष्य, अयोग्य, नालायक और अधर्मी हैं।
प्रभु अपनी अपने स्वयं की इच्छा से उस सूबेदार के घर जाना चाहते थे। सूबेदार बोला कि हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि संसार का सृष्टा खुद पैदल चलकर मेरी छत के तले आए। कई बार हम प्रभु की महानता को पहचानते नहीं हैं। प्रभु की याद तब आती है जब हमें प्रभु की जरूरत होती है, और हमारी जरूरत में प्रभु यदि जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से हमारी जरूरत पूरी नहीं करते हैं तो हम प्रभु से नाराज हो जाते हैं। आप पूछेंगे, शास्त्री सर, आप सच बात कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूँ, आप सबसे ज़्यादा अनुभव है। कुल मिलाकर इस सारी सभा में सिर्फ दो लोग हैं जिनका अनुभव मुझसे ज़्यादा है, जो मुझसे बड़े हैं। ठीक है, जितने श्रोता आज सुन रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव है, और मैं ये बात आपको बहुत ही दावे के साथ बता रहा हूँ। मैंने 50 इस तरह के केस देखे हैं जहाँ प्रभु से लोगों ने उम्मीद की और उन्होंने जो उम्मीद की काम कुछ वैसा नहीं हुआ, तो उल्टा सीधा बोलने लगे, कौन प्रभु, कैसा प्रभु, हमारी जरूरत में मदद नहीं करने को आए तो कैसा प्रभु। सी, इस सूबेदार को देखें जो ना तो प्रभु का अनुयायी था, ना ही उसने प्रभु के साथ अधिक समय बिताया था, लेकिन चूंकि अधिकार क्या होता है, अधिकार की श्रेणियां क्या होती हैं, ये उसने अपने जीवन में देखा था, इस कारण वो इस बात को भी पहचान गया कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में अधिकार की जो श्रेणियां हैं वो किस तरह की हैं, कैसी हैं, और उसमें सबसे उन्नत स्थान पर कौन है, और सबसे उन्नत स्थान पर जो व्यक्ति है वो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में जब पधारे तो उस व्यक्ति के साथ किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए वो एकदम से बोला कि हे प्रभु, आप मेरी छत के तले हैं, आप तो आने को तैयार हैं, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी छत के तले आएं। उसके बाद उसने एक बात और प्रभु से कहा, आप तो मुंह से बोल दीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास है! दो बातें मैंने इसके पहले आपको बताई, नंबर वन, उसने प्रभु को पहचाना, नंबर टू, उसने इस बात को पहचाना कि प्रभु मेरी छत के तले आऊं, मैं उस योग्य नहीं हूं। नंबर तीन, वो इस बात को पहचान गया कि जिस व्यक्ति ने अपने एक वाक्य के द्वारा इस पूरे विश्व की रचना की है या सृष्टि की है, वो व्यक्ति जहाँ हैं, खड़े हैं, वहाँ से एक वाक्य बोल देंगे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। वो ना केवल इस बात को जानता था, उसने अपने मन की बात खुलकर प्रभु से बोल दी कि प्रभु, नंबर वन, आप प्रभु हैं, नंबर टू, मैं तो पतित लाचार मनुष्य हूँ, आप मेरी छत के नीचे आए, मैं उस योग्य नहीं हूँ। नंबर थ्री, हे प्रभु, आपने तो एक वाक्य से इस सारे विश्व की रचना की है, इसलिए यदि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े होकर एक वाक्य बोल देंगे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा और मेरे आने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हम में से हर एक के जीवन में अलग अलग ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो इस सूबेदार के मन में प्रभु के प्रति जो आदर था, जो इज्जत थी, और प्रभु के अधिकार को वो व्यक्ति समझता था और अपने स्वयं के पाप और अधर्म को समझता था, और इस कारण प्रभु से बोल दिया कि हे प्रभु, आप तो बस आपकी वाणी उस दास के प्रति हो जाए तो वह चंगा हो जाएगा। क्या इस तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं? हम सब अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं,
याचना करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और यदि नहीं करता है, यदि यहाँ इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रभु से प्रार्थना या याचना नहीं करता है, तो उस अजूबे को तो हम सब देखना ही चाहेंगे कि ऐसा कौन अभागा है जो सृजनहार से प्रार्थना ही नहीं करता है, सब करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे मन में वो दीनता की भावना होनी चाहिए जो इस सूबेदार में हम देखते हैं। एक सूबेदार, वो भी रोमी शासन का एक सूबेदार, कभी भी किसी से दीनता से बात नहीं करता है, लेकिन अपने से जो ऊपर जो अफसर हैं उनके सामने बड़ी दीनता से बात करता है। इस कारण वो जानता था कि जो संसार का जो सृष्टि करता है उससे कैसे बात करनी है, इसलिए उसने कहा, प्रभु आप तो आज्ञा दे दीजिए, दास चंगा हो जाएगा। उसके बाद उसने अपने विश्वास का कारण बताया। देखिए वो कहता है, प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, पराधीन मतलब दूसरों के नीचे, जो दूसरों के नीचे काम करता है, और मेरे नीचे सिपाही हैं, मतलब मेरे ऊपर अफसर हैं, उनके नीचे मैं अफसर हूँ, जो है जो मैं सूबेदार हूँ, और मेरे नीचे बहुत सारे सिपाही हैं, जब मैं एक से कहता हूँ जा वो जाता है, दूसरे से आ तो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो करता है। क्या मतलब है इसका? उसके कहने का मतलब था, प्रभु मेरी जो नौकरी है उसके कारण मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, अधिकार क्या होता है, मैं दूसरों के नीचे हूँ लेकिन मुझसे नीचे हैं उनके ऊपर अफसर हूँ, मुझसे नीचे जो लोग हैं चाहे सैनिक हो या नौकर, मैं उनको सिर्फ एक शब्द में आदेश देता हूँ, दौड़ दौड़ के वो उसको पूर्ण करते हैं। प्रभु मैं अपने अनुभव से ये समझ गया हूँ कि अधिकार क्या होता है, और इस कारण प्रभु आप कौन है ये भी मैंने पहचान लिया है, इस कारण आपके अधिकार को मैं पहचानता हूँ प्रभु, इस कारण मुझे अयोग्य के छत के तले आने के बदले आप तो आज्ञा दे दीजिए, कार्य हो जाएगा। ये चार बातें हमने प्रभु के वचन से देखी। चौथी बात क्या, कि हमारे जीवन में जो अनुभव है, ये अनुभव या इन अनुभवों के द्वारा हमें प्रभु को और अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। आप में से कई लोगों ने दूसरों के नीचे काम किया है, उनमें से जो अच्छे मालिक हैं, हम स्वयं जानते हैं कि अच्छे मालिकों के नीचे काम करना कितना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों के नीचे काम किया है जिसमें मेरे जो प्रिंसिपल, एमएससी के बाद मैंने एक स्कूल में नौकरी की थी, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी तो बाद में आया, पहले मैंने स्कूल में जब नौकरी की तो हमारे प्रिंसिपल बहुत ही कड़ा नियंत्रण, डर के मारे सारे विद्यार्थी उनको देखते थे तो भाग जाते थे, ऐसे व्यक्ति के नीचे मैंने काम किया। लेकिन अपने अधीन जो लोग काम करते थे उनसे इतना स्नेह करते थे, गलत काम करो तो सजा देते थे लेकिन जो अधीन थे उनसे इतना स्नेह करते थे, आप कभी भी कोई भी बात लेकर उनके पास जा सकते हैं, और जब वे फ्री होते थे तो कई बार घंटों बैठकर अपना अनुभव हम अधीनस्थों के साथ शेयर करते थे। इस तरह के जब एक बॉस के नीचे काम करते हैं तब अपने को पता चलता है कि जो ऊपर अधिकारी है वो बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में तो मैं जिस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर था वे तो इतने अच्छे आदमी थे कि आज भी मेरा उनसे फ़ोन पे संपर्क है, 80 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी मैं बुला के, कभी मैं बुला लेता हूँ कभी सर बुला लेते हैं। इन अनुभवों का क्या फ़ायदा, देखिए इन अनुभवों का क्या फ़ायदा यदि हम इन अनुभवों के द्वारा प्रभु के बारे में नहीं सीखें। इस आदमी को देखिए, उसके जीवन में जो अनुभव है या जो अनुभव हुआ था
उसके आधार पर उसने पहचाना कि संसार के सृष्टा कौन है, क्या है, कैसे हैं, अपनी सृष्टि से स्नेह करते हैं और अपनी सृष्टि की हर जरूरत को पूर्ण करते हैं, हर जरूरत में मदद करते हैं और इसलिए हमें प्रभु की इज्जत करनी। ये सब कहाँ से सीखा उस आदमी ने? अपनी नौकरी से। इसी तरह से मुझे और आपको प्रतिदिन जीवन में हम जो स्कूल जाते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनमें उन सब में हमारा जो अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर ये सीखना चाहिए कि यदि मनुष्य इतना अच्छा हो सकता है तो हमारे सृष्टिकर्ता, मेरे आपके सृष्टिकर्ता, सृजनहार कितने दयालु, कितने भले और उसके साथ साथ कितने शक्तिशाली है। इस मनुष्य ने ये बातें समझी थी, इस कारण प्रभु का जवाब सुनिए जरा। दसवें पद में हम देखते हैं, यह सुनकर प्रभु यीशु को आश्चर्य हुआ और जो उनके पीछे आ रहे थे, मतलब उनके जो खास शिष्य थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये कि इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं प्रभु यीशु मध्य पूर्व में पधारे थे, एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जितने मुख्य शिष्य थे वे सब यहूदी थे। यहूदी लोगों को इस बात का बड़ा घमंड था कि हम तो परमपिता परमात्मा के चुने हुए लोग हैं और परमात्मा सीधे सीधे हमसे बात करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखो, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के चुने हुए लोग हैं और परमात्मा अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमसे डायरेक्टली बात करते हैं, संदेश देते, उन लोगों के जीवन में मैंने इस तरह का विश्वास नहीं देखा है। तो यह एक पांचवी बात देखते हैं। पांचवी बात यह है कि प्रभु हमारे जीवन में भले ही कितना कार्य करे, यदि जो कार्य है उसको देखकर हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आदर और विश्वास पैदा होना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु अपना कार्य हमारे जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन प्रभु इन कार्यों को करते हैं तो उससे विश्वास अपने आप नहीं पैदा होता है। विश्वास हमारे अंदर से आना चाहिए। जब आप एक बीज बड़ी उम्मीद के साथ जमीन में बो देते हैं और उसके बाद रोज पानी डालते हैं तो आप रोज पकड़कर उसमें से जो बीज में से जो हल्का सा जो निकलता है उसको पकड़ के रोज खींच खींच के लंबा करते हैं क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है क्या? जो खेती करता है वो गेहूं डालने के बाद उसमें से जब बालें निकलती है तो उसको रोज जाके हर गेहूं के पास खींच खींच के उसका लंबा करता है क्या? जी नहीं। किसान की जिम्मेदारी है वो बीज जमीन में डाल दे, खाद दे, पानी दे और घास फूस को हटा दे। लेकिन उस घास फूस को हटाने के बाद उस खाद को प्राप्त करके, उस पानी को प्राप्त करके बढ़ना किसकी जिम्मेदारी है? उस बीज की और उस बीज में से जो हल्का सा पौधा निकलता है। इसी तरह से संसार के सृजनहार हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद विश्वास, प्रभु के प्रति विश्वास, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रभु के कहने का मतलब है, देखो ये लोगों को देखो, ये सब बड़ा दावा करते हैं हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमको दर्शन दिया है, हमको वो दिया है, ये दिया। अरे प्रभु ने सब कुछ दिया होगा लेकिन तुम्हारे जीवन में विश्वास है क्या? यदि विश्वास नहीं है तो प्रभु से ये सब पाने का क्या फायदा हुआ? आज जो पांचवी बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ वो ये है, यदि कल को प्रभु आपके जीवन को जांचेंगे तो क्या प्रभु ये कह सकेंगे, फलाने को देखो उसके जीवन में परेशानी ही परेशानी थी और इन परेशानियों को उसके जीवन में आने दिया, मैंने ये परेशानियाँ आने दी। कभी कभी मैं उसकी मदद किया करता था जिससे कि मैं उसको जांचूं,
लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद जब जब मैंने उसके जीवन में कार्य किया तब तब उसने ये पहचाना कि ये मेरा हाथ है, मैंने कार्य किया है। इस कारण उसके जीवन में मेरे प्रति अटूट विश्वास है, यह है मेरा बच्चा। मेरे आपके बारे में प्रभु ऐसा कह सकते हैं क्या? हम में से हर व्यक्ति के जीवन में जरूरतें हैं, हम में से हर व्यक्ति प्रभु से विनती करता है। हमारी विनती में से कुछ प्रभु तुरंत दे देते हैं, हमारी विनती में से कुछ प्रभु देर से देते हैं, और हमारी विनती में से कुछ प्रभु कभी नहीं देते। प्रभु ही जानते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन चूंकि प्रभु संसार के सृजनहार हैं, सृष्टा हैं, इसलिए प्रभु ने हमको जो दिया है उसके आधार पर हमें प्रभु का आभार मानना चाहिए, और हमको ये भी मान लेना चाहिए, ये भी जान लेना चाहिए कि प्रभु ने अभी जो दिया है वो प्रभु की दया है, कुछ देर से जो दिया है वो भी प्रभु की दया है, और यदि ने प्रभु ने कुछ चीज़ों को देने से मना किया है ये भी प्रभु की दया है, क्योंकि प्रभु ही जानते हैं कि वो चीज़ें मेरे जीवन में देने में प्रभु क्यों मना कर रहे हैं। हमें ये बातें अपने जीवन से सीखनी चाहिए। मान के चलिए कि आपका बच्चा कहता है पापा हमको एक टॉफी दिला दो, तो शायद बहुत तुरंत ही आप उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। बच्चा कहे पापा मुझे कहानी की किताब दिला दो, तो शायद आप देर करेंगे। क्यों? इसलिए कि पहले उसकी परीक्षा हो जाए, और जब फुर्सत में वो बैठेगा तब हम उसको दिला देंगे। लेकिन बेटा कहे पापा मुझे दो चार चाकू छुरा दिलवा दो, कल मैं टीवी पे देख रहा था तो वहाँ चाकू छुरे चल रहे थे, आप कभी नहीं दिलाएंगे। या वो कहे पापा मैंने सुना है डॉक्टर लोग सर्जरी के लिए जो ब्लेड यूज़ करते हैं वो दुनिया में सबसे धारदार ब्लेडों में से एक है, पापा मुझे 8-10 ब्लेड दिला दो। नहीं दिलाएंगे। तो जरा सोचिए, यदि एक सांसारिक पिता अपने बच्चे की जो याचना है उसमें से कुछ तुरंत देता है, उसके पीछे कारण है, कुछ समय के बाद देता है उसके पीछे कारण है, कुछ देने से बिल्कुल इनकार करता है उसके पीछे भी कारण है, तो यदि यह संसार में हमारा अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि एक सांसारिक पिता जिसका ज्ञान सीमित है, यदि वो अपने बच्चे के जो रिक्वेस्ट है, बच्चे का अनुरोध है, उसको इन तीन तरीके से पूरी करता है, मतलब एक तुरंत पूरी करता है, एक देर से पूरी करता है, एक कभी नहीं करता, यदि एक सांसारिक पिता ऐसा करता है तो हमारे सृष्टिकर्ता बिल्कुल जब वैसा ही करते हैं तो उसके पीछे कारण है, ये हमको समझना चाहिए। प्रभु के कहने का मतलब है ये, देखो मेरे लोगों को देखो, ये कहते हैं कि प्रभु तो ये लोग तो प्रभु के लोग हैं लेकिन इनके जीवन में विश्वास नहीं है, उस आदमी को देखो जिसको तुम गैर समझते हो, उसके जीवन में ना केवल विश्वास है, वो प्रभु को जानता है, प्रभु को समझता है, अधिकार को समझता है, और देखो कितना इन सब बातों के कारण कितना बड़ा विश्वास है। ये छठी बात मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम यदि अपने जीवन में प्रभु को पहचानेंगे तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। बिना प्रभु को पहचाने हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा, इस बात को अच्छी तरह से समझें। आज से बहुत साल पहले की एक घटना है, मेरे एक दोस्त, उन्होंने मुझे एक रिवॉल्वर दिखाया, उसको देख के आप कह नहीं सकते कि ये नकली है, 100% असली रिवॉल्वर के समान। उन्होंने मुझे वो दिया और बोला कि चलो कोई प्रयोग करके देखो। तभी उनका बच्चा आया, मैंने कहा बेटा मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। हाँ, वो बोले ताऊ जी प्रयोग कीजिए।
मैंने कहा तेरे सर के ऊपर एक एप्पल रख के मैं ये गोली चलाना चाहता हूँ। उसने वो कहानी पढ़ रखी थी जिसमें एक पिता अपने बेटे के सर के ऊपर रख के एप्पल रख के तीरंदाजी करता है। तो बोला कीजिए अंकल जी कीजिए। तो बाकायदा उसको मैंने खड़ा किया, उसके सर पे एप्पल रखा। पापा बोले कि देख यदि अंकल जी से गलती हो गई तो एप्पल के बदले वो तेरे मुंह पे लगेगा, तेरा सारा मुंह फट के फटे तरबूजे के समान हो जाएगा। वो बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, ताऊ जी को गोली मारने दीजिए। बाकायदा बच्चा खड़ा रहा और बाकायदा मैंने गोली बंदूक रिवॉल्वर उस पर ताना और टस से मस नहीं हुआ। रिवॉल्वर हटा के रख के मैंने उससे पूछा कि बेटा तू तो मर गया होता आज, मैंने यदि गोली चलाई होती तू मर गया होता, इसलिए बिना चलाए मैं हटा के रख रहा हूं। तो बोले अरे ताऊ जी मैं आपको जानता नहीं हूं क्या, मेरे पापा से भी ज्यादा आप मुझसे प्यार करते हैं तो भला आप ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए मैं खड़ा हुआ। यह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरे पापा से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे मुझे खरोंच भी आ सके। उसको ये विश्वास, उसके जीवन में ये विश्वास कैसे आया, इसलिए कि वो मुझे जानता था। ये छठी बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, प्रभु में हमारा विश्वास इसके ऊपर आधारित है कि हम प्रभु के कार्यों के द्वारा प्रभु को पहचानते हैं क्या। इस बच्चे को जब से वो पैदा हुआ था मैंने हाथों में उठाया, मैंने खिलाया, उसके माँ बाप ने जो करना था किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने भी उसको खिलाया, मैंने उसके लिए लोरियाँ गाई, कहानियाँ सुनाई, किताबें खरीद के दीं। जब वो उसे कोई डिफ़िकल्टी कठिनाई आती थी मैं कठिनाइयों में उसकी गणित वगैरह में उसकी मदद करता था। उस अनुभव से उस बच्चे को मेरे प्रति ना केवल विश्वास बल्कि अंधविश्वास हो गया, मेरे ताऊ कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे मेरे शरीर पर एक खरोंच भी आए। ये छठी बात आज शाम को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के प्रति यदि हमारा विश्वास सही हो और यदि हम अनुभव से प्रभु को जानने की कोशिश करें तो जीवन में एक ऐसा क्षण भी आएगा जब हमारा विश्वास, प्रभु के प्रति हमारा विश्वास, उस बच्चे का मेरे प्रति जो विश्वास था उससे हजार गुना हो जाएगा और हजार गुना हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। 13वें पद में हम देखते हैं तब प्रभु यीशु ने सूबेदार से कहा जाओ जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु ने उससे यह कहा क्या कि हे दास चंगा हो जा, नहीं, प्रभु ने सूबेदार से यह कहा क्या कि तेरा दास चंगा हो जाएगा, नहीं। हाँ शुरू शुरू में कहा था मैं आता हूँ चंगा करने, उसके विश्वास को देखने के बाद क्या कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही हो। मतलब इवन प्रभु को यह नहीं कहना पड़ा कि तेरा दास चंगा हो जाए। इससे सातवीं बात हम सीखते हैं, यदि प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा है और यदि हम प्रभु को पहचानते हैं कि प्रभु कौन है क्या है, और यदि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में खरोंच भी नहीं आने देंगे, और यदि यह विश्वास हमारे जीवन में हो तो प्रभु हमारी मदद करेंगे। प्रभु सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगे कि आ बेटे तेरी फलानी समस्या मैं हल कर रहा हूँ, नहीं। कई बार प्रभु सीधे सीधे नहीं बोलते लेकिन प्रभु हमारी समस्या निश्चित रूप से हल कर देते हैं। ये सात बातें हैं जो आज सूबेदार और प्रभु के बीच में जो चर्चा हुई थी उसके द्वारा हम सीखते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक गैर आदमी
जो कभी भी आकर शायद प्रभु के चरणों पर नहीं बैठा था, उसने अपने जीवन में अधिकार का जो अनुभव किया था, उस अनुभव के आधार पर इस बात को नंबर वन पहचाना कि प्रभु कौन है। नंबर टू, उसने ये पहचाना कि प्रभु उसके छत के तले हैं, वो उसके योग्य नहीं है। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी तो बस आज्ञा हो जाए, सब हो जाएगा। इस संध्या को जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनसे दो तीन बातें क्लोजिंग में कहना चाहता हूं। शायद इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जो अपने जीवन में एक बहुत बड़ी एक या अनेक समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। शायद नौकरी की समस्या है, परिवार की समस्या है, शायद विवाह की समस्या है, शायद स्वास्थ्य की समस्या है। समस्याओं की तो कोई सीमा नहीं है। प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक बात, प्रभु को वजन तौलने की मशीन ना समझें। आप कहेंगे, शास्त्री सर वजन तौलने की मशीन ये क्या बला है? अरे स्टेशन में जब अपन जाते हैं तो वहां वजन तौलने की मशीन रखी रहती है, आते जाते में अपन उसको दुआ सलाम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब आपको वजन देखना हो तब आप बाकायदा उसके ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और उसमें एक सिक्का डालते हैं। मतलब जब भी स्टेशन आते जाते हैं तब वो मशीन आप देखते हैं, आप ना तो उस मशीन की इज्जत करते हैं, ना दुआ सलाम करते हैं, कुछ नहीं करते। जब मतलब का काम है तब जेब से 5 का सिक्का निकाल कर उसमें डाल देते हैं और आपका वजन का टिकट आ जाता है। उसके बाद आप मुड़ के भी उस मशीन को देखते नहीं हैं। प्रभु के साथ हमारा व्यवहार या हमारा संबंध इस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह से वजन तौलने वाली मशीन से है कि हे मशीन मेरा वजन सही बता दे और तेरी जो फीस है ये मैं डाले देता हूँ, सही सही वजन बता देना। और आपने ये भी देखा होगा कई बार वो पैसा फंस जाता है तो लोग बाकायदा मशीन पे मुक्के मारते हैं। प्रभु के साथ हमारा व्यवहार इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रभु के साथ हमारा व्यवहार प्रतिदिन प्रभु को जब हम देखते हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, जीवन में प्रभु ने जो करुणा दिखाई है उसके लिए प्रभु के प्रति आभार, और उसके साथ साथ हमारे जीवन की जरूरतें प्रभु को बताना और प्रभु के बारे में 50 लोगों को बताना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारियां हम तभी पूरी कर पाएंगे जब इस घटना में हमने जिन 7 बातों का अध्ययन किया है, ये 7 बातें जब हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में लाने के लिए और लागू करने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। लेकिन यदि आज संध्या को इस सभा में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक प्रभु को प्रभु के रूप में पहचाना नहीं है, तो आज संध्या को मेरा अनुरोध है, हे प्रभु, हे मेरे मित्र, प्रभु को प्रभु के रूप में पहचाने, वजन की मशीन के रूप में नहीं। जब जरूरत हुई तो भाग के गए कि हे प्रभु मदद कीजिए, और जब काम हो गया तो भाग ले जी नहीं। प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध जरूरी है। आज से 60 साल पहले इस बात को पहचान कर मैंने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण करके प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित किया। एक मसीही परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। किसी ने भी किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध जरूरी है। इस विषय में यदि अभी तक मामला आपको साफ नहीं हुआ है तो इस सत्संग के अंत में प्रार्थना के बाद आकर मुझसे बात कीजिए, मैं बात आपको समझाऊंगा। यदि मैं बहुत सीनियर हूँ इसलिए मुझसे बात करने में आपको परेशानी होती है, तो उधर भाई बरनबास बैठे हैं, इधर सामने भाई संतोष बैठे हैं,
वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, उनके जीवन में जो खुशी है उस कारण, इनमें से बात दो में से किसी से एक बात कीजिए, ये लोग आपको ये स्पष्ट कर देंगे। इसके अलावा और भी भाई लोग हैं जो सामने आकर आपके सामने खुशी और उत्साह के साथ गाते हैं, ये यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शनी के लिए नहीं आए हैं, किसी गाने की प्रतियोगिता में नहीं भाग ले रहे हैं, बल्कि प्रभु ने उनके जीवन में जो किया है उसकी खुशी आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। इनमें से किसी से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का क्या मतलब है। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे।